महासमुंद में बसपा से पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी जिला महामंत्री के रूप में युवा नेता प्रदीप चंद्राकर का नाम घोषित किया गया और साथ ही साथ हर ब्लॉक से एक प्रदेश प्रतिनिधि का नाम भी घोषित किया गया है। मुंबर की गहमागहमी के बाद बीजेपी के चुनाव पर्यवेक्षक श्याम बैस ने नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। वहीं इस दौरान बीजेपी में फिर गुटबाजी देखने को मिली। बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा का खेमा चुनावी प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। का जो 4 साल का कार्यकाल अभी है, 1 साल निकल गया और इसमें चुनौती तो है और निश्चित रूप से उस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व के ऊपर भरोसा किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए लगेगा और आने वाले कुमार चौधरी जी का निर्वाचन हुआ है, हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन चुनाव अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जो भी गलतियां की है उसमें सुधार के लिए हम ऊपर बात करेंगे संगठन से। क्या करने वाली बात इसलिए नहीं है, चुनाव एक अपने आप में प्रक्रिया है एक चुनाव जो है, और हर किसी को संतुष्ट किया जाना संभव नहीं है। नियम कानून के अनुसार ही काम करते हैं और उस नियम कानून जो हमारे, खास करके मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ, जितना भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक रूप में संगठन के चुनाव होते हैं किसी पार्टी में नहीं होता।